खबर राजधानी देहरादून से आ रही है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी डायवर्जन तिराहा से हाथी बड़कला तक तिरंगा यात्रा निकाली। उनका कहना है कि 11 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। हर भारतीय तिरंगे का सम्मान करता है और इस तरह की यात्रा से लोगों को घर पर ही तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ महेंद्र भट्ट और गणेश जोशी ने स्कूटर पर बैठकर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। 11 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भट्ट जी यहाँ पर द्वारा कैप किया है। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर है, इस बात का प्रतीक है कि तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा भी देता है। और जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आम जनमानस भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है। यात्रा या अभियान के रूप में आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति भारतवर्ष का एक एक नागरिक अपने घर के अंदर के ऊपर 15 तारीख तक प्रत्येक घर में तिरंगा लगे। इस आह्वान के साथ हम हर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा द्वारा प्रारंभ किए। उसमें हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक है, हमारे मंत्री है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है। आज पूरे राज्य के अंदर आज कल दोनों दिन तिरंगा यात्रा का अभियान चलेगा।